मध्य प्रदेश की दतिया पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर लंबे समय से घर में संचालित की जा रही देसी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। थाना सिविल लाइन पुलिस और सिटी कोतवाली पुलिस की टीम एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में मुखबिर के बताए हुए ठिकाने पर स्थानीय मामा का बाग इलाके में पहुंची तो वहां स्थित प्रमोद गौतम और कुशल गुर्जर के मकान की घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस टीम द्वारा दबोच लिए गए हैं। पुलिस टीम को मौके से प्लास्टिक के ड्रम में करीब 165 लीटर देसी शराब एवं प्लास्टिक की केन में 15 लीटर शराब और 510 प्लास्टिक की खाली क्वार्टर एवं 150 ढक्कन, रैपर, होलोग्राम सील, परख नली, कागज के गत्ते, लोहे के ढक्कन एवं पैकिंग करने वाली बड़ी मशीन मिली। यह पूरी कार्रवाई दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के मार्गदर्शन में पूरी की गई। पुलिस शराब बनाने वाली इस नकली फैक्ट्री के संबंध में कड़ी पूछताछ करने में जुटी हुई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया द्वारा आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। इसी क्रम में कल थाना प्रभारी सिविल लाइन श्रीमती भूमिका दुबे को जरिए मुखबिर एक सूचना मिली कि मम्माजू के बाग पर कुछ लोगों द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही है। मुखबिर से सूचना कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली श्री रविंद्र शर्मा और थाना प्रभारी सिविल लाइन श्रीमती भूमिका दुबे के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर एक घर पर दरवाज़ा खुलवाया गया, जिस घर में एक कमरे में दो व्यक्ति छुप पाए गए, जिन्होंने अपने नाम पूछने पर शेरा गौतम और कुशल गुर्जर बताए। साथ ही उनके पास से एक ड्रम भी रखा हुआ था, जिसमें 165 लीटर के लगभग शराब रखी हुई थी। एक खाली कार्टून था जिसमें 15 लीटर शराब रखी गई थी, और साथ ही कुछ खाली क्वार्टर रैपर्स भी मिले हैं, जिससे ये प्रतीत हुआ कि यह पूरा एक अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। उक्त संबंध में उनके सब कागजात पूछे गए तो उनके पास कोई कागजात भी नहीं थे, जिस पर से उनको वहाँ से पकड़ा गया और 41 का नोटिस देकर छोड़ा गया और धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। लागत कितनी होगी सर शराब की? और शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1,00,000 रुपए है और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। किसी आरोपी की गिरफ्तारी? जी, दो व्यक्ति जो पकड़े गए थे उनको नोटिस